मुझे मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना रहा और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आपका सपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो ये मेरा लाइफ का सबसे पहला ब्लॉग है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। शक्ल पे तो दिख ही रहा होगा कि कितना मेरे चेहरे पे नर्वस दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं फर्स्ट ब्लॉग में तो आप लोग का दिल जीत तो नहीं पाऊँगी, पर उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आऊँ और आप लोग का डेफिनेटली मैं आप लोग का दिल जीत लूँगी। ये मुझे कॉन्फिडेंस है और आपका आने वाला प्यार और सपोर्ट से और कॉन्फिडेंस फील करूँगी और आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे ब्लॉग ला के दूँगी आपको, जिससे कि मैं आप लोग से दिल जीत सकती हूँ। मैं रुक्मिणी, मैं धनबाद से हूँ, झारखंड से। आई लव झारखंड, आई लव माई इंडिया। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, अब प्यार सब मुझे सीट बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म। मैं झारखंड से हूँ और ये तो अभी सब बताई दी, तो मुझे बताने से कोई फ़ायदा है नहीं कि धनबाद झारखंड, ये सब तो बताई दी। और मैं सुनैना। मैं मुकेश, मैं भी कहीं कहीं ब्लॉग में दिखूंगा आपको। रुक्कू एंड मुक्कू जो चैनल बनाई है ये रुक्कू जी, मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। एकदम सही बात है ये जो मुझे फील हुआ, अभी पहली बार फील हुआ, क्योंकि मैं ब्लॉग में अभी आया आपके सामने कैसे बात कर रहा हूँ, जो मुँह में आ रहा है वो निकलता जा रहा है। कहीं कुछ गलत बात हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, पहला है ये। क्या रुकू, पहले जब ब्लॉग बनाने के बारे में सोची तो बहुत बोल रही थी कि ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, बोल लेंगे सब कुछ कर लेंगे ऐसा बोल रहे थे। उस टाइम लग रहा था कि कैमरा में क्या है, बोलना ही तो है, लेकिन जब पता चला जब कैमरा में जब आए तो कुछ मुंह से निकल रहा था। जब कैमरा सामने किए उसके बाद बोले बोलो रुकू, तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, ब्लैंक। मेरा पूरा एकदम नर्वस हो जा रहा है। हम लोगों को लगा था कि एक बार में रिकॉर्ड करेंगे और डाल देंगे, लेकिन एक बात को बोलने के लिए छोटा छोटा लाइन उसको 4 टेक 3 टेक करके और इसको देखते एडिट कैसा कर पाते हैं उसके बाद बनाए हैं। एक बार में तो हुआ नहीं, सच्चाई है ये, पहला एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको सारा कुछ दिखाना चाहेंगे। ये हमारी बालकनी जहाँ पे हम लोग रहते हैं और ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, मंदिर है ये दुर्गा माँ के। ये सब क्वार्टर्स हैं, इसी तरह के टूटे फूटे क्वार्टर्स में हम लोग रहते हैं। ऐसा तो कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जैसा हम लोग का है वैसा आप लोग को और अच्छा से अच्छा करके दिखाऊं। ये खुद से बनाया हुआ है, एक दोस्त है मेरा अजय, वो बनाया है। बताइए कैसा है ये डिजाइन, खुद से बनाया हुआ है। और इधर भी है और डिजाइंस हैं और बनाए हुए हैं। अंधेरा है बिल्कुल, दरवाज़ा खोल दो। ये हमारा वाईफाई है, इससे इसी से एडिट करेंगे। और देखना सुने ना साइड होना, ये देखो, ये देखिए डिजाइन कैसा है, बताइए। ये डिजाइन है जो बनाया है खुद से मेरा फ्रेंड दीवार पे, क्योंकि गंदा लगता है दीवार बारिश के टाइम में, जिसके वजह से अच्छा लगा होगा आपको। किचन, ये हो गया होम टूर साथ साथ में। फर्स्ट ब्लॉग, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और कुछ बोलो। फर्स्ट ब्लॉग कैसा होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, सब तो मुझे आइडिया नहीं है। बोल रही थी बहुत बोलेंगे, बोल नहीं पाई। और कुछ बताओ अपने बारे में। शकल के लिए मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, फिर आया फिल्टर और आज मैं